Hohoot! ओहो देख रहे हो लंबी बिली लॉन्गेस्ट बिली अब तक की गाइस, क्या बात है। तो गाइस फाइनली देख सकते हो मैंने एक राइडिंग हैंड ग्लव जो है ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से एंड ये फाइनली आ चुका है एंड इसको देखते हैं अनबॉक्सिंग करके। तो भाई यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने मैं मंगाया क्या और आया क्या, यहाँ पे आप लोग देख पा रहेंगे इसका जो कलर है ये मैंने ऑर्डर किया दूसरे कलर एंड आया लेकिन दूसरे कलर, ठीक है। मैंने ये बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं किया था। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इसका जो कलर है एंड मैं जिस वाले को ऑर्डर किया था वो भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एंड ये जो है बिल्कुल भी अलग आया हुआ है। आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने दूसरे वाला ऑर्डर किया था, दूसरा कलर वाला ऑर्डर किया था लेकिन टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट जो है यहाँ पे दे दिया हुआ है वो लोग। ये देख सकते हो आप लोग हाफ हैंड ग्लव जो है मैंने ऑर्डर किया था वो ग्रीन कलर में ऑर्डर किया था लेकिन ये आप लोग देख पा रहे होंगे कौन सा कलर में, ब्लैक कलर पे। मतलब मैंने जो वाला ऑर्डर किया था वो वाला कम्प्लीटली कलर डिफरेंस था एंड ये वाला आप लोग देख पा रहे होंगे कौन से कलर में आया हुआ है यार। एंड दूसरी बात ये चीज़ अभी रिटर्न भी नहीं हो रहा, डिफरेंट कलर मार रहा हूँ लेकिन रिटर्न भी नहीं हो रहा। तो गाइस इसको कस्टमर केयर को कॉल करके मतलब ये इसको रिटर्न करना पड़ेगा अभी एंड पता नहीं क्या। गाइस कैसे हो सब, आई होप सब बड़े होंगे, उन्हें भी चाहिए। तो गाइस जैसे कि आप लोग को पता है मैंने एक हैंड ग्लव्स ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, तो फ्लिपकार्ट वालों ने मुझे दूसरा वाला हैंड ग्लव्स दे दिया हुआ है एंड तो गाइज उसके लिए मतलब मैंने रिटर्न करने की कोशिश की, रिटर्न भी नहीं हो रहा था। एंड दूसरी बात मैंने फ्लिपकार्ट वालों को कस्टमर केयर पे मतलब कॉल किया था एंड कस्टमर केयर वाले बोल रहे थे कि वो रिप्लेस होगा लेकिन रिफ़ंड नहीं होगा। तो गाइज सोच रहा था रिफ़ंड नहीं होगा तो इसको मतलब रिटर्न करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो गाइज इससे जो है काम चलाना पड़ेगा। तो गाइज आज जो है जाने वाले एक मस्ती राइड पे, तो गाइज आज के ब्लॉग में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो गाइज ब्लॉग करो एंजॉय, अगर अच्छी लगे तो यार लाइक हिट सब्सक्राइब जो है मार देना। तो गाइज जल्दी से निकलते हैं अपना बीच एंड मिलते हैं आपको सीधा रोड पर। तो गाइज फाइनली चेक करो निकल चुके हैं एक मस्ती राइड पे, देख रहे हो। तो भाई आज की ब्लॉग पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है गाइस एंड ये आप लोग देख पा रहे हैं मेरे हैंड ग्लव्स, मैं कल जो मैं हैंड ग्लव्स फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था एंड फर्स्ट राइड है मेरी इस हैंड ग्लव्स के ये हैंड ग्लव्स जो है कल ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से एंड फ्लिपकार्ट वालों ने मुझे दूसरे वाला हैंड ग्लव्स जो है दे दिया हुआ था। तो इसको मैंने कस्टमर केयर को कॉल करके रिटर्न करने की कोशिश की लेकिन कस्टमर केयर वाले बोल रहे थे कि ये रिटर्न नहीं होगा, रिप्लेस होगा। वो लोग रिफंड नहीं देंगे तो इसको रिटर्न करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसी से जो है काम चलाना पड़ेगा। एंड इसका जो बस कलर वेरियंट जो है तो कल अलग आया लेकिन कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट सही है। आज की पहली राइड है इस हैंड ग्लव्स के साथ, लाइफ में पहली बार जो है मैंने राइडिंग हैंड ग्लव्स पहने हुए हैं यार, काफ़ी अलग फीलिंग है। तो गाइस आज जो है थोड़ा उधर स्टंट भी होने वाले हैं एंड ये चेक करो क्या ब्रेक्स लगा रहे हैं गाड़ियाँ। क्या कर रहा है यार, देख रहे हो बीच में गाड़ी रोक के गाइस क्या बातें शाते कर रहे हैं, क्या हद है यार। तो है इस बाइक पे जो मैं सोच रहा था कि एग्जॉस्ट भी डलाओ लेकिन इस बाइक पे एग्जॉस्ट डलाने की कोई फ़ायदा नहीं है एंड इस बाइक पे एग्जॉस्ट डलाने से मतलब साउंड बिल्कुल वैसा ही वैसा रहेगा जैसे स्टॉक एग्जॉस्ट की तरह ही रहेगा। तो गाइस इसलिए इसको एग्जॉस्ट नहीं डलाने वाले हैं एंड बाकी को कुछ मॉडिफिकेशन जो करने वाले हैं जैसा कि मतलब इसकी स्ट्रीमिंग कराने वाले हैं मेरे यूट्यूब चैनल का नाम, बेसिक सा जो मॉडिफिकेशन इस गाड़ी में करवाने वाले हैं फुल पावर। एंड दूसरी बात मेरी MTV जल्दी आ रहा है एंड वो मार्च अप्रैल तक आ जाएगा, फेब्रुअरी मार्च अप्रैल मार्च तक आ जाएगा मेरी गाड़ी एंड जल्दी ही आ जाएगी। तो गाइस जल्दी से जो है मेरे चैनल की 1K जर्नी कम्प्लीट करवा दो, तो गाइस जल्दी ही आ जाएंगे मेरी बाइक। तो गाइस तभी जो है होने वाले हैं फुल पावर स्टार्ट यार, लेकिन बाइक के लिए मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ यार। फुल चलते हैं वही सेम प्लेस पे एंड वहाँ पे जाके आज जो थोड़ा बहुत स्टार्ट करने वाला हूँ। ये वाले हैंड ग्लव्स लगा के आज की पहली राइड एंड फर्स्ट एक्सपीरियंस है राइडिंग हैंड ग्लव्स के, राइड करके हैंड ग्लव्स लगा के मुझे तो राइडर्स ही फील आ रहा है गाइस, ऐसा लग रहा है कि राइड कर रहा हूँ वो सुपर बाइक राइड कर रहा हूँ। एंड दूसरी बात मेरी भी इस बाइक बीच पे मतलब काफ़ी ज़्यादा पावर जो है इंक्रीज कर दिया हुआ है, मतलब इसका राइस जो है रेस थोड़ा इंक्रीज कर दिया हुआ है एंड इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा पावर आ गया हुआ है। थोड़ा सा रैप करने से मतलब बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है, ये चेक करो गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एंड थोड़ा पावर इंक्रीज़ कर दिया हुआ है क्योंकि मैं स्टैंड वगैरह करूँगा, इसलिए जो है मैंने
राइडिंग मतलब इसको जो है थोड़ा पावर जो है इसका इंक्रीज कर दिया हुआ है। एंड ये चक्कर आ चुके हैं, हम आ चुके हैं वो हमारी स्टैंड पॉइंट पे, ये आप लोग देख पा रहे हैं। तो गाइस वहाँ पे रुकते हैं एंड रुक के थोड़ा रिव्यू लेते हैं गाड़ी की। गाइस हम आ चुके हैं, फाइनली अभी जो होने वाले फुल पावर स्टैंड। तो गाइस अभी जो है फिलहाल उठाने वाले एक सक्सेस अवेली। ओहो देख रहे हो क्या बात है। देख रहे हो लंबी बिली, लॉन्गेस्ट बिली अब तक की गाइस। क्या बात है गाइस, फाइनली निकल चुके हैं घर के लिए फिर से। और उम्मीद करता हूँ कि आज के ब्लॉग आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। तो गाइस अगर अच्छे लगे तो यार लाइक एंड सब्सक्राइब मार देना मेरे भाई। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक मस्त मस्त खाते पीते रहिए, ऐसे प्यार मस्त आते रहिए। गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे।